झारखंड चुनाव में मोदी जी और योगी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज योगी जी की झारखंड के अंदर में 3 रैलियां थी, उन्होंने वहां पर काफ़ी कुछ कहा। काफ़ी कुछ कहने से ये है कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए, जातियों में मत बटिए, बांग्लादेशी घुसपैठ करवा रहे हैं, आने वाले समय में ये घर के अंदर घुसेंगे, शंख और घंटी बजाने नहीं देंगे। वहीं पर मोदी जी ने भी कल यही कुछ कहा था कि बेटियों को ये नहीं छोड़ने वाले हैं। सर नमस्कार जी, झारखंड चुनाव के अंदर में ऐसी रैलियां हो रही हैं, योगी जी ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की साजिश है, मैं तो सीधा सीधा ये बोलूँगा। एक प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोलता है, इस तरीके की बात बोलता है, तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश में एक ऐसा चुनाव के लिए एक ऐसी ट्रिक आजमाई जा रही है, हिंदुओं को डराया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री खुद सामने आके ये बोलते हैं यार कि बहन बेटियां आपके खतरे में है, गाय भैंस खतरे में है, सुहाग खतरे में है। यार ये किसने, अगर आपको वोट बैंक अपना बनाना है तो अपने काम गिनवाइए, अगर आपने काम किए हैं आप अपने काम गिनवाइए। ये एक प्रधानमंत्री को ना कभी शोभा नहीं देता। ये देश में इतने प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन किसी ने इस तरीके की बात नहीं की। धर्म को आगे लाके ये लोग राजनीति करते हैं, धर्म और जाति के नाम पे आज देश में राजनीति हो रही है। अगर इनसे कोई देश का युवा बेरोजगारी की बात करे, महिला की बात करे, तो ये सीधा पहुँचते हैं राम मंदिर पे। रोजगार की बात करे तो सीधा कहाँ पहुँचते हैं, धारा 370। महिलाओं की बात करते हैं तो ये बोलते हैं इसके वो देखो वो चल रहा बुलडोजर। देखो कहीं ना कहीं ये लोग देश में ना आज ऐसे ही आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आग लगा के ये तो चले जाएंगे, बुझानी बहुत मुश्किल होगी। वो योगी जी ने कहा कि घंटी और शंख बजने नहीं देंगे ये लोग। देखो घंटी और शंख तो हमेशा बजेंगे, पहले भी बज रहे थे, आज भी बज रहे हैं और आगे भी बजेगा। लेकिन आप अपना देख लेना, आपको पता होगा ये जो 400 पार का नहरा देने वाले आज 240 में सिमट गए। अगर ये लोग ईवीएम में छेड़खानी ना करें ना तो इनको तो इनकी नानी याद आ जाएगी, इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। वो तो ईवीएम का थोड़ा सा जादू चल रहा है, जो कि ये लोग सत्ता में बैठे हैं, ईवीएम का जादू चल रहा है, देश की जनता ने कुछ नहीं दिया इनको। झारखंड चुनाव के अंदर में घुसपैठियों का बहुत ज़्यादा ना एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि घुसपैठिए आ चुके हैं झारखंड के अंदर में, इनको भगाना है, ये भगाएंगे नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीज़ें इनको इलेक्शनों पे क्यों याद आती है भाई? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और पूर्ण बहुमत से थी। आज तो खैर बैसाखी की सरकार है, पहले तो पूर्ण बहुमत से थी। तो इन लोगों ने बांग्लादेशियों के ऊपर काम क्यों नहीं किया? उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? कहाँ थे 10 साल से? जैसे ही चुनाव आता है तो इनको घुसपैठिया याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। अरे क्या चल रहा है भाई, कहाँ सो रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? तो कह रहे हैं कि संरक्षण है जेएमएम का, कांग्रेस का और ना ये इंडी गठबंधन, इनका संरक्षण है घुसपैठियों को। संरक्षण किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। देखो जो हमारे देश के नागरिक हैं वो हमारे देश के ही नागरिक रहेंगे, और जो घुसपैठियां हैं ना वो घुसपैठिए ही कहलाएंगे, चाहे इस देश की सरकार उनको कुछ दे या ना दे, फिर भी वो तो घुसपैठिए कहलाएंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाह रही है कि कहीं ना कहीं हमें देश के लोग हमारी तरफ देखें और हमें वोट दें। लेकिन अब इनको वोट मिलने वाली है नहीं, अब वोट नहीं मिलेगी। जो बड़े बड़े जुमले इन लोगों को देने थे वो लोग दे चुके हैं, मिल चुके हैं। मोदी जी का ये कह देना कि बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी आपकी, मणिपुर में भी बेटियां सुरक्षित थी, मणिपुर में तो इन्हीं की सरकार थी, निर्वस्त्र करके 2 महिलाओं को घुमाया था गली में चौराहे पे, जब ये लोग कहाँ सो रहे थे, जब महिलाओं की याद नहीं आई क्या? आज इलेक्शन आते ही इनको महिलाओं की याद आ गई, आज इनको महिला अच्छी लग रही है, आज इनको महिला सुरक्षा देनी है, उस समय कहाँ थे? अरे एक साल तक मणिपुर जला है, एक साल तक, तो ये लोग कहाँ सो रहे हैं? कह रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है झारखंड के अंदर में। कुछ चेंज नहीं हो रहा, अब चेंज पता कब होगा, बदलाव कब आएगा? अब बदलाव जब आएगा जब नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे दोबारा, फिर पलटू राम, नीतीश कुमार जी को बोलते हैं पलटू राम। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी एक बार और पलटी मार दो, इस बार ना पूर्ण बहुमत से जीतोगे बिहार में। अगर इस बार नीतीश जी ने पलटी मार दी ना पूर्ण बहुमत से, 100% लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे दूंगा मैं आपके चैनल पे पत्रकार महोदय, अगर इस बार पलटी मार दी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की भी इनको जरूरत नहीं है, बिहार में पूर्ण बहुमत से आएंगे।
अगर पलटी नहीं मारी तो एक बात याद रखना, गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी बिहार में। किससे करेंगे? भाजपा से करेंगे और किसके साथ में करेंगे? अब इनको, इनका एक ही सहारा भाजपा, और भाजपा का भी सहारा आजकल यही है, आपको पता नहीं है, बहुत सेवा कर रहे हैं ये लोग नायडू की और नीतीश कुमार की। पर लेकिन सेवा तो अंदर होती है, अब सबको दिखा देंगे तो भैया फिर तो ये हो जाएगा ना कि हाँ भाई ये अमित शाह सेवा कर रहे हैं। डरे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं, इनको पूरा पूरा डर है। देखो पहले ये लोग 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें ये लोग बोलते थे इस बार 400 पार, अब जैसे ही लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इस बार फिर ये मोदी जी कहते हैं कि इस बार NDA सरकार, मतलब जो 400 पार थी जो भाजपा, वो अब वो 800 पार हो गई, आज वो NDA सरकार बन गई। यार वो भी गिनवा रहे हैं कि हमने काम बहुत अच्छा किया है सेंटर में, अगर आप सेंटर में भी मोदी जी हैं, झारखंड के भी आएंगे, भाजपा आएगी, डबल इंजन रहेगी। ये बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, काम बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने ये काम बहुत अच्छा किया है। अगर ये अच्छा काम करते ना तो इनका अयोध्या में ऐसा हाल ना होता। स्मृति ईरानी कितनी बोलती थी, स्मृति ईरानी जब भी कैमरे के सामने आती थी तो सिर्फ गांधी परिवार को कोसती थी, सिर्फ गांधी परिवार के ऊपर ही निशाना साधती थी। आज स्मृति ईरानी नजर नहीं आती, कैमरे वाले तो दौड़ रहे हैं, आपके जैसे पत्रकार तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कुछ बोलो, लेकिन बेचारी बोल नहीं पा रही है। देश की जनता ने हालत ऐसी कर दी है, ये हालत है। और धीरे धीरे ये जो बाकी जो नेता ना उनका भी यही हाल होगा, धीरे धीरे, अभी रुक जाओ, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। भाजपा के जो ब्रांड जो लीडर हैं वो वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ पर दिख रही है? देखो कांग्रेस भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, ग्राउंड लेवल पे सब लोग उतरते हैं जब इलेक्शन होता है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है, महिलाओं की याद इन्हें इलेक्शनों में आती है, घुसपैठियों की याद इन्हें इलेक्शनों में आती है, ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करते हैं भाई साहब। वो राहुल गांधी जी आपने देखा होगा, कभी साइकिल वाले से मिलते हैं, कभी वो कारपेंटर से मिलते हैं, कभी वो कुली से मिलते हैं, इनकी तरह नहीं है कि जब चुनाव, ये तो बरसाती मेंढक हैं, जब चुनाव आते हैं ना देश में, जब इनको सब कुछ याद आता है। क्या होने वाला रिजल्ट वहाँ पर झारखंड के अंदर? रिजल्ट तो सबको पता है, अगर ये EVM में छेड़खानी नहीं करे तो रिजल्ट सबको पता है, EVM के सारे तो जीत हो रही है इनकी मेरे भाई, EVM का तो सारा खेला है, ये खेला किसका है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें ये देख लो, कुछ इनके सांसद ऐसे थे, कुछ कैंडिडेट इनके ऐसे थे जो कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पीछे चल रहे थे, लेकिन 9 बजे के बाद में वो लोग आगे हो जाते हैं भाई, ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है 9 बजे के बाद में? के दौरान भी जब हारी है कांग्रेस तो कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था ECI के सामने, तो ECI ने जवाब में 1500 पन्नों का जवाब दिया कि भैया कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है भाई। वो तो हर साल बोलते हैं भाई, केरल का एक बंदा है, क्या नाम है, वो इंजीनियर है, उन्होंने खुद ये बोला है कि मुझे 15 मशीन दे दो, मैं खुद मशीन को हैक करके दिखाऊंगा EVM को, लेकिन ये लोग उसको मौका नहीं दे रहे हैं भाई। जिस देश में EVM चल रही थी उन सभी देशों ने EVM बैन कर दी, और तो और जापान ने EVM का, जापान ने बनाई थी EVM, उसने भी अपने देश से EVM बैन कर दी, एक अकेला मात्र हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें EVM अभी तक बैन नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ हो, एक बार वैलिड पेपर से देश में चुनाव करवा दो, फिर देखो क्या होता, भाजपा ने कितना काम किया है और बाकी जितनी सरकार रही है उन्होंने कितना काम किया, एक बार चुनाव करवा दो, लेकिन ये लोग नहीं कराएंगे। अगर EVM के ऊपर उंगली उठाओगे, EVM के बारे में कुछ बोलोगे तो सरकार बाद में बोलती है, पहले पता कौन बोलता है? इलेक्शन कमिश्नर, वो सबसे पहले आके अपना भाषण दे देता है, ये देखो EVM में कुछ नहीं हुआ, ये देखो EVM कितनी अच्छी है, ये देखो EVM, अरे भाई एक बार बताओ, अगर EVM इतनी अच्छी होती तो वो जो ये इसमें चंडीगढ़ में जो इन्होंने जो धांधलेबाजी जो की थी वो करने की क्या जरूरत थी भाई? तो देखो घपला तो हो रहा है, इनकी जीत इसीलिए हो रही है, लोग परेशान हैं फिर भी ये लोग जीते जा रहे हैं भाई। महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको, क्या वहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय एकनाथ शिंदे का थोड़े सितारे गर्दिश में है, क्योंकि वहाँ पर पार्टियों की भरमार है, वहाँ पर भरमार है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनके भरमार के चक्कर में कोई इसमें तीसरा आके मजे ले जाएगा। तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा हो सकते हैं और भी हैं, अभी अगर मैं नाम ना लूँ तो अच्छा रहेगा, अगर EVM ना हो, भाजपा का सुपड़ा साफ है, और उपचुनाव यूपी में भी हैं, यूपी में भी 9 सीटों के ऊपर, हाँ 9 सीटों के ऊपर है, अब EVM अगर वहाँ पे